नवघर पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 150 लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 149 पासपोर्ट, कंप्यूटर और 6,02,000 रुपए की नकदी बरामद की है। नवघर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 406, 34 के साथ साथ इमिग्रेशन एक्ट अधिनियम 1983 की धारा 10, 24 के तहत मामला दर्ज किया है। भयंदर पूर्व के नसीब अपार्टमेंट में मौजूद ईगल प्लेसमेंट सर्विसेज कंपनी ने फेसबुक पर इश्तेहार देकर युवाओं को ईरान, रूस, इसराइल सहित दूसरे देशों में नौकरी देने का झांसा देकर 150 युवकों का पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। ये आरोपी सभी युवकों से नौकरी दिलाने के लिए 70 से 80 हजार रुपए लेकर लाखों की धोखाधड़ी की थी। जांच के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 6,02,000 रुपए, कंप्यूटर और 149 पासपोर्ट जब्त किए। में इस पूरे घटनाक्रम में जोन 1 के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने हमें जानकारी दी है। नवघर पुलिस स्टेशन में 27 अप्रैल को एक कंप्लेंट आई थी, उसके आधार पर 258/24, 420, 471, 468 वगैरह के तहत ऑफेंस रजिस्टर है। इसमें इसमें जो आरोपित है, इन्होंने फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट दी थी जॉब प्लेसमेंट के लिए, खास करके अफ्रीका, ईरान और इराक, और उसके तहत उन्होंने अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से कुछ लोग आए थे, उन लोगों को ऑफर लेटर दिया था और जो फ्लाइट बुकिंग थी, बुकिंग और वो सब कुछ डॉक्यूमेंट भी दिए गए थे। लेकिन 27 तारीख को जब जाने के टाइम आया तो जब वो उनके ऑफिस पे आए तो ऑफिस बंद दिखा। इसके ऊपर उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके एफआईआर दी। पुलिस ने तुरंत हरकत में आके 3 आरोपी जो है तुरंत अरेस्ट कर लिए हैं। उनके उन्होंने अब तक 10,20,000 का चीटिंग किया था, उसमें से 6 लाख रुपए रिकवर किए गए। 149 पासपोर्ट जो है वो भी जब्त कर लिए गए है, उसमें से 90 पासपोर्ट जो कंप्लेनेंट और साक्षीदार थे उनको वापस दिए गए है। इनमें से कुछ आरोपी ने, इनके जो साथीदार है, मालट पुलिस स्टेशन के एरिया में भी एक ऑफिस खोला था, वहां पे भी एक शुभम तिवारी करके आरोपी जो है अरेस्ट है, और इसमें और कुछ आरोपी है की उसकी तहकीकात चल रही है। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।